जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित गुंधा इलाके में सोमवार को सुबह संदिग्ध आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया। यह गोलीबारी तड़के 4 बजे शुरू हुई। हमले के दौरान एक जवान के घायल होने की सूचना है। हमले के बाद सेना के आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक नागरिक के जख्मी होने की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अब भी गोलीबारी जारी है। सूत्रों के अनुसार बता दें कि आतंकियों ने पहले एक गांव के बारी इलाके में स्थित ग्राम रक्षा समूह के सदस्य और पूर्व सैनिक के घर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के कारण आतंकियों के इलाके से भागना पड़ा और बाद में उन्होंने सेना की चौकी को निशाना बनाया। इलाके में अब भी सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों की तत्परता और कुशलता से मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों की खोज जारी है।